रक्षित है, कैसा? मैम वो एक्चुअली मिस्टर शेरगिल। रक्षित भैया, इसे होश आ गया। सर ये सिग्नेचर। नहीं लाइए, मैं साइन कर देती हूँ। थैंक यू भैया। राजी, रक्षित भैया को बता दे कि पिशाचनी यहाँ पर है। भगवान जी, आपने तो करिश्मा कर दिया, आपका लाख लाख शुक्र है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। अब क्या क्या करेंगे? करना क्या है? हम अपने घर जाएंगे। कौन सा घर, कैसा घर? क्या बोली, कौन सा घर? मतलब दीवी तेरा दिमाग तो ठीक है ना? हमारा अपना घर जहाँ हम रहते थे, हमारा शेरगिल हाउस। हम कब से खोए हुए हैं, सबको हमारी फिक्र हो रही होगी, सब हमारा रास्ता देख रहे हैं। चल। नहीं दी, दी आपको लगता है कोई राह देख रहा होगा हमारा? सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं नहीं जाऊंगी। तू नहीं जाएगी, अपने घर नहीं जाएगी। अच्छा बता क्यों नहीं जाएगी? दी अपने दिल से पूछो, कितने दिन हो गए इस ब्लास्ट को? 13। दीवी लोग बिछड़ने के बाद 13-13 साल अपने घर नहीं जाते, हमें तो बस 13 दिन ही हुए हैं। दी बाकी लोग की जिंदगी में पिशाचनी नहीं होती है, हमारी जिंदगी बाकी लोग की लाइफ से बहुत अलग है, जिसके जिंदगी में पिशाचनी नाम का एक दुश्मन है। चलो अगर हम चले भी गए, पिशाचनी का क्या और उन रत्नों का क्या? दीवी मुझे नहीं लगता वो तीनों रत्न उसके पास है। तुझे याद है ब्लास्ट के टाइम पे उसके हाथ से वो तीनों रत्न गिर गए थे? मेरा दिल कहता है कि वो तीनों रत्न हमारे पास है, इसीलिए तो हमारा जादू चल रहा है, हमारे पास शक्तियाँ हैं। इनफैक्ट अब तो मैं भी तेरी तरह चीजें अपने हाथों से इधर उधर उड़ा सकती हूँ, हम ज्यादा शक्तिशाली है। दी प्लीज जरा सोचो, जरा समझो, भले पिशाचनी के पास वो तीनों रत्न नहीं हो, लेकिन वो खुद एक बहुत बड़ी काली शक्ति है। दी वो पिशाचनी है। आपको क्या लगता है, हम इतने दिन घर पे नहीं थे, वो हमारे घर पे नहीं गई होगी? वो ऑफकोर्स हमारे घर पे गई होगी। पता नहीं हमारे फैमिली के साथ वो क्या कर रही होगी, खतरा बनके सबके सर पे मंडरा रही होगी। खतरा बनके सबके सर पे मंडरा रही होगी, इसीलिए तो वहाँ जाना है। दीवी तू सोच, मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? वो हमारी फैमिली को टॉर्चर कर रही होगी, उन्हें कितना परेशान कर रही होगी, ना जाने कितनी तकलीफें दे रही होगी। क्या तेरा फर्ज नहीं बनता कि हम हमारे परिवार को जाके देखे वो किस हाल में, कैसे है, या सारी फिक्र भूल गई है तू? आपको क्या लगता है मुझे अपनी फैमिली की कोई फिक्र कोई कहनी है? मेरी भी तो फैमिली है ना। तो फिर तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रही है, क्यों नहीं चल रही है मेरे साथ घर? तू क्यों वापस नहीं जाना चाहती? देख दीवी, लोग अपने घर जाने से पहले ऐसे हजार बार नहीं सोचते, सीधा मुंह उठाते, पैर उठाते और चले जाते। चले ऐसे। दी मेरी बात सुनो। दी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे, लेकिन इस तरह डायरेक्टली नहीं। हम सोच समझ के पहले घर से थोड़ा दूर जाएंगे, देखेंगे क्या सिचुएशन है, पिशाचनी ने एग्जैक्टली किया क्या है। हम जाएंगे तो पूरी तैयारी के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, सो दैट पिशाचनी को हमारे बारे में कुछ पता ना चले, हम लोग अपने फैमिली मेंबर्स को देख भी ले और हम लोग पिशाचनी की नजरों से दूर भी रहे। और कितनी तैयारी करनी है दीदी? हम तैयारी तो है, और रही बात उस पिशाचनी की, मैं उससे नहीं डरती और ना ही तू डरती है, समझ गई? अब हम वो दो छोटी छोटी लाचार बेचारी बच्चियां नहीं है, ना ही कोई डरी सहमी लड़कियां। दीदी हमारे पास शक्ति है, हम जानते हैं हमारी हद कहाँ तक है, कितनी है, हम क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम पहली बार पिशाचनी से लड़ने जा रहे हैं, हम कई बार उसका सामना कर चुके हैं, 2 बार ऑलमोस्ट मर चुके हैं, मर के वापस आ चुके हैं, और तू कहती है कि तू पिशाचनी से डरती है? दीवी नहीं, ना तू डरती है ना मैं डरती हूँ। अगर किसी को डरना चाहिए तो वो पिशाचनी को डरना चाहिए। अब डरने की बारी उसकी है, उसे समझना होगा कि वो काल है तो हमारे पास महाकाल है, हमारे पास शक्ति है, हमारे पास लड़ने की ताकत है, हमारे पास जीतने का जुनून है, और वो पिशाचनी, उसे हमसे डरना चाहिए, क्योंकि जो लोग मर के वापस लौट आते हैं ना दीवी, वो और ताकतवर हो जाते हैं, और हम जैसे लोग ऐसे दुष्टों के सर पे ना मौत बन के मंडरा रहे होते हैं। चल। नहीं दी, मैं ये सब नहीं करना चाहती। दीवी तू मुझे ना नहीं बोल सकती, तुझे मेरे साथ घर वापस चलना ही होगा, क्योंकि जहाँ पर दृष्टि है वहां पर दिव्या है, और जहां पर दिव्या है वहां पर दृष्टि है। तूने ऑलरेडी बहुत वक्त बर्बाद कर दिया, अब चल यहां से। दीवी तुझे हो क्या गया, दिमाग ठीक है तेरा? हम 13 दिन बाद मर के जिए, हमें तो घर जाने की जल्दी होनी चाहिए कि हम घर जाएं, सबसे मिले, सब कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अरे घर एक ऐसी चीज होती है जहाँ इंसान को सबसे पहले जाना होता है, और तुझे घर नहीं जाना है? अरे वो राह देख रहे होंगे हमारी, उनके दिल को कितना सुकून मिलेगा कि वो लड़की जिसने इस घर के बेटे को मार डाला ऐसे ही मुंह उठा के वापस चले जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अरे नफरत करेंगे वो मुझसे, मेरा मुंह नहीं देखना चाहेंगे। दी किस मुंह से जाऊं मैं,
मैंने शिखर को अपने हाथों से मारा है, इतनी बुरी मौत दी है मैंने, मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, कैसे बोलूंगी, मैं कैसे जाऊं, बताओ मुझे, आप नहीं समझ रहे मेरे दिल का हाल, बंद करिए पागलपन वरना मैं मारूंगी। आप मुझे मारने वाली थी? मैं पीछे नहीं हटती तो आप मुझे मार देती? तू इसीलिए नहीं बची क्योंकि तू पीछे हट गई, अगर मुझे मारना होता तो तेरे आगे आने के बाद भी थप्पड़ लगा सकती थी। अब मेरी बात सुन और गौर से सुन, वरना 10 थप्पड़ लगा के दूंगी। दिव्य होश में आ, तूने उस घर के बेटे को नहीं मारा है, तूने जिसे मारा वो घर का नहीं वो बाहर का था, वो असली शिखर नहीं था, असली शिखर को तो पिशाचनी ने बचपन में ही बदल दिया था। और रही बात उस नकली शिखर की, उसे सुधरने के हमने कितने मौके दिए, तू बता, 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 1000 मौके दिए सुधरने के, लेकिन उसने क्या किया, उसने हमारा विश्वासघात किया, उसने बेवकूफ बनाया हमें, मौत के चंगुल में छोड़ा, पिशाचनी के पास मरने के लिए छोड़ दिया, उसने तेरे इमोशंस के साथ खेला, तेरी फीलिंग्स के साथ खेला, तुझे हर्ट किया है, और अच्छा हुआ तूने उसे मार दिया, उसे तुझसे कोई मतलब नहीं था दिव्य, उसे सिर्फ पिशाचनी और पावर से मतलब था, वो इंसान नहीं वो जानवर था, जानवर, अगर तू उस दैत्य वानर को नहीं मारती ना तो वही दैत्य वानर हमारे पूरे परिवार को मार देता, वो परिवार जिसके लिए हम दोनों ने अपना बलिदान दिया, हमारे शर्गिल परिवार को मार देता, और वो बात तू अच्छे से जानती है, जानती है कि नहीं, चल खा मेरी कसम, आज के बाद तू शिखर की मौत का इल्जाम अपने सर पे नहीं लेगी, खा मेरी कसम, वादा कर मुझसे। I promise. Good. सब कुछ जानते हुए भी इतना नाटक करती है, हमें एक और बड़ा काम करना है दिव्य, हमें असली शिखर को ढूंढना है, और हम दोनों साथ में ढूंढेंगे, आई प्रॉमिस, तुझे भरोसा है ना मुझ पे? हाँ? गुड, इतना टाइम इतनी एनर्जी वेस्ट कर दी तूने, अब तो ताकत भी नहीं बची है घर जाने की, काश कुछ ऐसा होता जो वुश करके आता और हमें घर ले जाता। ये क्या है? ओह माय गॉड, ये क्या है दी? दी संभाल के, संभाल के। दीवी रुकना, क्या कर रही हो? आराम से, कुछ नहीं होगा। दी संभाल के, केयरफुल प्लीज। दी, दी। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? दीवी, मुझे लगता है हमारी नई सवारी आ गई, अब हम इस पर उड़ के जा सकते हैं। क्या? हाँ, चल ना, तो मेरे पीछे हम इस पर उड़ के जाते हैं। बिल्कुल नहीं। नो, ये खतरे का संकेत हो सकता है। नो। तुझे क्या हो गया है? आपको क्या हो गया है? तू बता, तुझे क्या हो गया है? पहले तो इतनी बिंदास घूमती थी, अब इतनी डरी डरी, सहमी सहमी, ये नहीं करना वो नहीं करना, संभल के रहना, बिल्कुल पहले जैसे मैं थी। अरे आपको क्या हो गया है? पहले तो कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोचती थी, अभी इतने बिंदास, इतना बेधड़क, घर जाना है, उड़ के जाना है, इतनी लापरवाही, नो प्लानिंग, कंफ्यूजन, कुछ भी नहीं। आप मेरी जैसी हो गई हो, और तू मेरी जैसी। जादू भी कर सकती हूँ, तेरी मनोकामी शक्ति मेरे पास भी है, इसीलिए तो मैं भी तेरी तरह चीजें उड़ा सकती हूँ और उसे वापस नीचे ला सकती हूँ। Oh my God, दी हम अदल बदल गए हैं। हाँ, तू मेरी जैसी हो, मैं तेरी जैसी, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, पर क्या कर सकते हैं, जो होना था वो तो हो गया, और जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। तेरे ना, तूने मुझे बहुत सताया, बहुत परेशान किया, उल्टा होगा, अब मैं तेरी बॉस हूँ, अब से मैं तुझ पे रूल करूंगी, मैं तुझे ऑर्डर्स दूंगी और मैं तुझे सताऊंगी और मैं तुझे रुलाऊंगी। नहीं वैसे नहीं, मतलब दी, आप भी अब मारूंगी। दी, ये क्या हो रहा है? ये आपको भी हुआ था ना? दिव्य, लगता है हमारी नई सवारी का मुहूर्त हो गया है। चल टेस्ट ड्राइव लेते हैं। गिर गए तो एक काम करना, पहले तू गिर जाना, फिर तेरे ऊपर मैं गिर जाऊंगी, क्योंकि अब तू मैं बन गई हूँ, तो मेरी रक्षा कौन करेगा? चल दी, प्लीज एक बार सोच लो। हाँ दिवी, रिलैक्स प्लीज दी, आराम से चल। चल दिवी आजा, जैसे बाइक पे पीछे बैठते ना वैसे तू मेरे पीछे खड़े हो जा, तुझे भरोसा है ना? चल चल चल, हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना। ये चलता।
पापा कैसे हैं? हम शर्गिल हाउस कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे मतलब? शर्गिल हाउस चलो। नहीं 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 मैं गिर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं गिर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। बचाओ 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 बेटी। हाँ, कितनी ऊंचाई पे है? बहुत ऊंचाई पे है, मुझे डर लग रहा है। दीदी देख, गुड़ की दो डलिया, शरारती गुड़िया, जादू की गुड़िया। वाओ दीदी, देख हम उड़ रहे हैं। हाँ, सब कुछ कितना खूबसूरत लग रहा है ना। दीदी हाँ, वो देख चिड़िया। ऐसे मत करो, ये खुला आसमान ही परिंदों का घर होता है, ऐसे उड़ा दोगे और उसने हमारा पंख काट दिया तो? डोंट। दीवी तू लोग कितनी तड़पों को गई है, पहले तो एकदम बिंदास रहती थी, थोड़ा चिल कर यार, एंजॉय कर अपनी नई सवारी के मजे ले। देख मौसम कितना अच्छा है, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मुझे डर लग रहा है। चुप कर, सुंदर तो बहुत है। देखो हम कितने हाइट पे है ना। ओह माय गॉड, नहीं अब ये है ना, कूदने की क्या जरूरत है। दी ये हमारा शर्गिल हाउस जैसे दिखता है ना, दिख रहा है? है। दी मुझे अभी भी लगता है मैं अंदर नहीं जाना चाहिए। दीवी तुझे कितनी बार समझाया है, ये अपना ही घर है, चुपचाप अंदर चल। दीवी चल ना। प्लीज दी। चल, 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 चल। दी दी आपके माथे पे रोशनी, आपको कुछ दिखने वाला है, इसका मतलब फ्यूचर देखने की शक्ति सिर्फ आपको है अभी भी, हमारी शक्ति अगली बदली नहीं है, इनफैक्ट न्यू पावर्स आ गए हैं। क्या देखा आपने? एक सुहागन, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। कहीं आप खुद को तो नहीं देख रहे हो? मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। मिस्टर शेखर, मैंने आपको बहुत मिस किया। कौन हो तुम? रक्षित, ये क्या पूछ रहे हो? रकुशोना, माय स्वीट हार्ट, कौन आया है रकुशोना? ये कौन है? ये आपने सुना नहीं, ये उसकी आवाज है। हाँ? पता नहीं कौन है, नाम नहीं पूछा। अरे ऐसा कौन आया इस घर में जिसने अपना नाम ही नहीं बताया? हाँ खुद ही पूछ लो। अरे कहाँ गई, अभी तो यहाँ थी। अजनबी ऐसे ही आते हैं और ऐसे चले भी जाते हैं। और वो अजनबी नहीं लग रही थी। ओ रकुशोना, बीवी को छोड़ के दुनिया में सब अजनबी होते हैं। दी मैं उसको अच्छी तरह से पहचानती हूँ, ये पिसाचनी की आवाज है, उसकी आवाज तो मैं लाखों में भी पहचान सकती हूँ। हम मरने के बाद भी अपनी दुश्मन की आवाज पहचान सकते हैं। हम मर के वापस आए और हमें अपनी दुश्मन की आवाज याद है। अब मिस्टर शेखर मेरा चेहरा भूल गए? ये जरूर उस पिशाचनी ने कोई जादू किया होगा, उनकी सारी यादें मिटा दी, हम दोनों को अजनबी बना दिया। इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि ऐसे डायरेक्टली नहीं जाते, आराम से जाते, सोच समझ के जाते हैं। लेकिन आप तो मुझसे एक मिनट बड़ी हो ना, मेरी बात क्यों सुनोगी? हाँ तो अच्छा ही हुआ ना हम चले गए, कम से कम पता तो चला कि यहाँ हो क्या रहा है। तूने देखा नहीं अपनी आंखों से कैसे वो काली कौवी पिशाचनी हमारे घर पे डेरा डाल के बैठी, मेरे पति पे कब्जा करके बैठी, और क्या बुलाया उसने उन्हें? रकुशोना बेबी स्वीट, ये सब कौन बोलता है? वो मेरे रकुशोना है, मेरा मतलब है वो मेरे मिस्टर शेगल है। और वो क्या बुला रही थी उन्हें? रकुशोना। वैसे ही मिस्टर शेगल ना, इन्हें दूसरी बीवी बड़े आसानी से मिल जाती है, और वो भी एकदम अजीबोगरीब। पहले वो चिपकली लवण्या और अब ये काली कौवी पिशाचनी। मतलब इस धरती पर इंसानों की कमी है क्या, जो पहले वो चिपकली और अब ये राक्षसनी? इंसानों से मेरा मतलब मैं, मुझ में कोई कमी है क्या? तो मुझे बता। प्लीज काम डाउन। देखो
हमें पिशाचनी का सामना करना है, हमें जो भी करना है सोच समझ के करना है, दिमाग से काम लेना है। नहीं, मेरे पास कोई दिमाग विमाग नहीं है, जितना था वो भी चला गया, और अब मैं भी यहाँ पर नहीं रुकने वाली। मैं हाथों से धक्का मार के इस पिशाचनी को बाहर निकालूंगी। बड़ा शौक है ना इसे मेरे पति के नाम का सिंदूर लगाने का, मेरे पति के नाम का मंगलसूत्र पहनने का, इस कनी से अर्जु तो मैं आज दी 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 प्लीज आप पागल हो गई हो क्या? ये क्या पागलपन है? सासी के सामने ऐसी चली जाओगे पूरे फैमिली को लगता है कि हम दोनों मर चुके हैं। ठीक है, मैं ऐसे नहीं जा सकती तो रूप बदल के जाऊं। आपने कहा कि रूप बदल लो तो आप तो सच में बदल गई दी, अब सेल्स गर्ल बन गई। माय गॉड, इसका मतलब हम लोग जब चाहे अपना रूप बदल सकते हैं? ये तो हमारे पास एक नई शक्ति आ गई है ना। माय गॉड, ओह गॉड, अब क्या करूं, क्या करेगी अकेली? नहीं, कुछ करना पड़ेगा। हम दोनों अलग अलग हैं लेकिन जुदा नहीं एक दूसरे से। मैं दी को अकेला नहीं छोड़ूंगी। नहीं, जहां दृष्टि है वहां दिव्या है। मैं भी जाऊंगी, मैं भी रूप बदल के जाऊंगी। क्या क्या था? रूप बदल जाए। वाओ, मैं भी ये जादू कर सकती हूँ, दी की तरह रूप बदल सकती हूँ। दी की दीवी चल। मैम मैं कब से बाहर खड़ी हूँ, अंदर तो आने दीजिए। ऐसे कैसे अंदर बुलाऊं? हाँ मिस, पहले कंप्लेन दिखाओ। और पता नहीं तुम जैसे सेल्स गर्ल्स होती है जो घर के अंदर जाती है और फिर घर से सारा सामान निकाल कर चली जाती है। मैम मैं कोई चोरी चक्की नहीं हूँ। चंदा मांगने आई हो? ओहो हो हो, बट आई एम सॉरी, हमारे घर से ना चांद सूरज तारे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। हाँ, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। सो प्लीज एक मिनट उसकी बात तो सुन लो। ओ रकुशो ना, तुम भी ना ऐसे एरो गैरो के लिए इतनी टेंशन मत लो, इनके लिए तो मैं एक अकेली ही काफी हूँ। प्लीज। अरे निक्की तुम गलत घर में आ गई हो, हमें 36 फ्लोर पे जाना था और ये 37 फ्लोर है। अरे नहीं नहीं, दिल मेरा दिल कह रहा है ये सही घर है, ये वही घर है। तो सही कंप्लेन दिखाओ। हाँ ये मैम 3608 36 फ्लोर। ओके देखा, मैंने कहा था ना ये गलत लोग हैं, आई मीन गलत घर है। चलो कंप्लेन मिस्टर शेरगिल के नाम से ही आई थी। नहीं, कंप्लेन मिस्टर शर्मा के नाम से आई थी। और प्लीज तुम यहाँ से चलो। क्या चलो चलो, ये रॉन्ग नंबर है इनकी। नहीं, यही राइट नंबर है। राइट नंबर ही रॉन्ग नंबर है, और तुम चलो यहाँ से बस। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। प्रकुशोना चलो ना। प्रकुशोना सुनो, दीदी ये तूने क्या किया, तू क्यों आई वहां पर? मैंने तुझे बुलाया क्योंकि अब वो करी थी जो आपको नहीं करना चाहिए था। मैंने आपसे क्या बोला था, साचिनी शायद अंदर होगी वहां पे, पता नहीं फैमिली के साथ क्या क्या करी होगी। थी ना पिशाचनी वहां पे? अरे वो मिस्टर शेगिल भी तो थे ना वहां पर, रक्षित की याददाश्त नहीं थी वहां पे। तो मैं क्या करूं, तू क्या चाहती है मैं बैठे बैठे अपनी नजरों से ये सब होते हुए देखूं? मैं नहीं कर सकती। और दीदी तू कितना सोचने लगी है, तुझे ना इस साइलेंट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं चाहती, हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते, कुछ तो करना पड़ेगा ना। नॉनसेंस, आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।